वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिखाता है आपका एसडी कार्ड फॉर ट्रांसफरिंग फोटोज़ एंड मीडिया, ठीक है, नीचे लिखा हुआ आता है एक्सप्लोर और इजेक्ट, तो इसका क्या मैटर होता है, ये क्यों हमें दिखाई देता है। देखिए, डिफ़ॉल्टली जब आप एसडी कार्ड डालते हैं, कुछ सेटिंग्स करते हैं सेव इट डेटा की, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बट उसको आप डाल देते हैं, आप सेव उसको चेंज नहीं करते उन सेटिंग्स को, तो तब ये जो मीडिया फाइल्स या कुछ होती हैं वो ट्रांसफरिंग होती हैं, तो तब यहाँ पर ये इशू दिखाता है। अब यहाँ पर एक्सप्लोर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रांसफरिंग हो रही है, म्यूटेड अनम्यूटेड करते हैं जैसे कि अपने फ़ोन से अपने मेमोरी कार्ड को, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सप्लोर बताता है कि आप क्या क्या हो रहा है, या फिर इजेक्ट लिखा हुआ आता है तो इजेक्ट से आप स्थगित कर सकते हैं उनको, बट अनम्यूटेड म्यूटेड कर रखा होगा तो वहाँ पर वो ट्रांसफरिंग होगी। तो इसके लिए आप जब अनम्यूटेड म्यूटेड करते हैं तो आप सेटिंग्स में से जाकर उसको सेट कर दीजिए, यहाँ पर बस स्टोरेज आपको लिखना है और उसके बाद स्टोरेज को खोलने के बाद अनम्यूटेड या म्यूटेड आपको इजीली दिख जाएगा, तो आप उसे वहाँ पर से कर सकते हैं, तो इजेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर भी सकते हैं, तो ये इस वजह से यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अब सब कुछ आपके हाथ में, आप यहाँ पर क्या करना चाहें, तो ये प्रोसेस होता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।